बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटोकॉफ ईयर्स के बारे में। प्रोटोकॉफ ईयर इलेक्ट्रोस्टेटिक का एप्लीकेशन है जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स के टॉपिक में है। इसके अलावा भी इसके एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की, इंजेक्ट प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है। हम स्टेप बाय स्टेप वन वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले फोटोकॉपी ईयर्स क्या हैं, ये तो ऑलमोस्ट अब सबको पता होगा क्योंकि जब भी आप कोई फोटोकॉपी करते हो तो एक मशीन होता है जिस जहाँ पे आप जिस चीज़ की फोटोकॉपी करते हो तो वो पेजेस का एग्जैक्टली सेम कॉपी बन जाता है। और यूं स्मॉल साइज़ में इस टाइप के भी मशीन होते हैं जो कि आजकल एडवांस, फिर उसमें लेज़र प्रिंटर आए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। और अच्छा, तो फोटोकॉपियर एक्चुअली होता कैसे है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये इतना आसान नहीं है कि बस वो एक ग्रीन बटन होता है, वो प्रेस करो और फोटोकॉपीज हो गई। ये कुछ स्टेप पे मुश्तमिल होता है। इसमें इनसाइड ड्यूरिंग दिस टाइम सिक्स प्रोसेस हो जाते हैं और वो सिक्स प्रोसेस जो होते हैं वो कंप्लीट होके तब एक कंप्लीट फोटोकॉपी हो जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि फोटोकॉपियर जो हैं इसको जो मशीन है इन्वेंट किसने किया और कब किया। तो ये चेस्टर कार्लसन 1938 में उसने फोटोकॉपियर्स या जिसको जीरोग्राफी भी कहते हैं इन्वेंट किया। चेस्टर कार्लसन, इसने 1938 में फोटोकॉपियर्स को इन्वेंट किया। और इस पे पूरा जो प्रोसेस, मतलब एक पूरा सेटअप कंप्लीट करने में 10 ईयर लग गए। तो जब फोटोकॉपिंग स्टार्ट हो गया, ये पूरा प्रोसेस जब मशीन डिस्कवर हो गया, तो ये 1938 से हो गए 1948 में। और इस प्रोसेस को उसने इलेक्ट्रो फोटोग्राफी नाम भी दिया, इलेक्ट्रो फोटोग्राफी। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये सिक्स स्टेप्स पे मुश्तमिल हैं। तो ये सिक्स स्टेप हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पार्ट्स का नाम बताता हूँ क्योंकि जब हम उस स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको आइडिया हो। ये यहाँ पे एक ट्रे होता है और इस ट्रे में क्या होते हैं कि पेपर्स रखे होते हैं जो कि एम्प्टी पेजेस होते हैं। फिर क्या होगा कि जब आप वो ग्रीन बटन दबाते हैं तो या तो आपका प्रिंटर किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा अगर वो डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन आप उससे प्रिंट करवाते हैं, या जो फोटोकॉपी मशीन है तो फोटोकॉपियर हम पढ़ते हैं। तो फोटोकॉपियर में क्या होगा कि जब आप बटन दबाते हैं तो यहाँ पे जो पेजेस होते हैं उससे एक पेज इस रोलर के साथ इस तरह आएगा और यहाँ पे एक ड्रम लगा है। ये इसको हार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर भी कहते हैं, यानी उसके बिल्कुल सेंटर में होता है। और इसके ऊपर जो है एल्युमिनियम, ये एक्चुअली एक एल्युमिनियम सिलेंडर है। और एल्युमिनियम किस लिए चूज़ किया गया है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी यही है कि जो है एक गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, तो इस वजह से एल्युमिनियम को चूज़ किया गया है। अच्छा, तो ये फोटो कंडक्टर सिलीनियम भी होता है। यहाँ पे टोनर लगा है। टोनर में क्या होता है कि वो इंक जो है वो टोनर में होता है। इन टोनर इंक को ही कहते हैं, वो जो जिससे पेजेस पे प्रिंट हो जाता है वो इंक एक्चुअली क्या होते हैं, वो टोनर होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे फ्यूज़र लगा है। फ्यूज़र का भी हम पढ़ेंगे कि उसका भी क्या फंक्शन है। और ये मिरर्स हैं, लेज़र हैं। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप अगर आप यहाँ पे भी देखें तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। लेज़र है जो भी आप कोडिंग यानी 1-0 फॉर्म में होता है, आप कंप्यूटर से हैं, अदरवाइज अगर पेज से हैं तो वो इस तरह लेज़र से ये लेज़र ऑन हो जाता है। यहाँ पे मिरर लगा होता है जो ये मिरर हैं। और फिर ये मिरर से स्कैनिंग मिरर जिसको कहते हैं, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो है वही टोनर है, एल्युमिनियम का बना होता है। तो इस पे चार्जेस भी होते हैं। ये पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि सिलीनियम जो है जो इधर लगा होता है, ये फोटो कंडक्टर जिसको कहते हैं,
उसकी प्रॉपर्टी ये है कि सिलीनियम की प्रॉपर्टी के जब ये लाइट को एक्सपोज हो जाता है, वैसे तो ये इंसुलेटर है डार्क में, सिलीनियम जो है ये इंसुलेटर एंड डार्क, और कंडक्टर एंड लाइट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो जब वो लाइट इस पे ऑन हो जाता है तो ये कंडक्टर की तरह रोल बिहेव करते हैं और इसका रोल जो होते हैं, और जब वो डार्क है तो मतलब लाइट नहीं ऑन है जिस एरिया पे, जिस पोर्शन पे डार्क शेडेड एरिया है, तो वहां पे एज अ इंसुलेटर काम करता है। अच्छा, जो प्रोसेस है, जब भी आप वो यहाँ पे फोटोकॉपी मशीन में पेपर रखते हैं जिसके आप फोटोकॉपी करना चाहते हैं, तो एक ग्लास प्लेट होता है और उस ग्लास प्लेट पे क्या करते हैं कि पेपर रखते हैं। तो उसके बाद जब आप बटन प्रेस करते हैं तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन में ये होता है कि एक इलेक्ट्रोड कॉल्ड क्रोटॉन भी कहते हैं, क्रोटॉन जो है एक गैस फाइल शंट होता है रेगुलेटर टाइप, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होता है। तो वो एंटायर सिलीनियम को पॉजिटिव चार्ज देता है डार्क, मतलब इन द डार्क। यहाँ पे जो ड्रम है सिलीनियम का कोटेड है, तो पहले स्टेप में क्या होगा कि उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, सिलीनियम को पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। यानी जब वो लाइट लेजर ऑन हो जाता है तो लेजर की वजह से जिस पोर्शन पे, जिस सरफेस पे लाइट पड़ जाते हैं, यूं इस तरह मैं अगर आपको यूं ड्रा करूं कि लेट से ये वो ग्लास का मेटल है जहां पे एक पेज पड़ा है, लेट से इस पे ए लिखा है। अब जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से लेजर लाइट, इस पे जब लाइट ऑन होता है तो जो बाकी इसका मेटल यानी जो ग्लास का पोर्शन है ये वाला, अदर देन पेज के अलावा जो है, ये लाइट तो इसके थ्रू पास हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा लाइट हो जाएगा। और जिस तरह मैंने बता दिया कि सेलिनियम लाइट में एज अ बिहेव करता है एज अ कंडक्टर, और ये जो पोर्शन है जहाँ पे पेज पड़ा है, तो पेज पे तो जाहिर बात है जो लाइट इस पे ट्रांसफर नहीं होगा, क्या होगा इसका ब्लैक डार्क कलर बनेगा। तो यहाँ पे सिलीनियम बिहेव करेगा एज अ इंसुलेटर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस जो सिलीनियम है वो उस सरफेस जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डार्क में जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इसका प्रिंसिपल भी यही है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रिंट फोटोकॉपियर्स है, किसमें जो अपोजिट इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे वहां पे नेगेटिव चार्ज टोनर पे आ जाएंगे, तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे और वो पेजेस पे वो नेगेटिव चार्जेस जो टोनर है वो आ जाएंगे। तो वो हम आगे नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट में आप जस्ट क्या होता है कि जो सिलीनियम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि डार्क पोर्शन है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप में जस्ट उसको चार्ज मिल जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड स्टेप में जो लेंस लगे होते हैं वहां पे मिरर लगे होता है, ये जो यहाँ पे है अगर आप देखें लेंस मिरर्स, या अगर यहाँ पे आप देख लें तो यहाँ पे भी मिरर लगा है, लेजर उस पे लगा है। तो ये जो मिरर या लेंस हैं वो इमेज को फोकस करते हैं, और जो रिवॉल्विंग ड्रम है, ये ड्रम जो है इसमें ये रिवॉल्व करते हैं ड्रम, ये वाला, या यू कैन से ये वाला। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि लेंस या मिरर जो है वो इमेज को फोकस करते हैं इस ड्रम पे, और जो इसका डार्क और लाइट एरियाज डॉक्यूमेंट्स का हैं तो वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि डार्क एरिया कौन सा आएगा जो यहाँ पे पेपर हैं, और जो बाकी एरिया हैं वो आ जाएगा वाइट।
तो डार्क एरिया जो है वो तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज वही का वही रहेगा, वो उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। ये डार्क एरिया जो है इधर नहीं होता, ये जब लाइट फॉल हो गया तो वो लाइट से क्या होगा कि इस जो पेजेस हैं अगर आप देख लें यहाँ पे, तो ये नीचे ड्रम लगा होता है और ड्रम पे ये वाला पोर्शन हो जाएगा डार्क और बाकी लाइट वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइट। और लाइट वाला तो असल में क्या होता है कि टोनर पे जो चार्जेस होते हैं, तो डार्क वाला तो वही इंसुलेटर है, इस पर तो कोई चेंजेस ही नहीं आएगा, और बाकी वाला जो है ये लाइट से कंडक्टर बन जाएगा, तो वो कंडक्टर से ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जस्ट चार्जेस रह जाएंगे कंडक्टर के कौन से पोर्शन पे, उस पोर्शन पे जो डार्क डार्क पोर्शन है, और उस पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्जेस, ये जो ड्रम है इस पे। अच्छा फिर क्या नेक्स्ट क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज वही रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कुछ नहीं होगा, और नेगेटिव चार्ज इस पे पहले से नेगेटिव चार्जेस होता है टोनर पे, तो जो डार्क एरिया है वो तो इंसुलेटर है, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जो वाइट एरिया है, अच्छा उस वाइट एरिया का क्या होगा कि वो कंडक्टर बिहेव करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इस पे आते हैं आपको ये नेगेटिव रह गए हैं और ये जहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गए। न्यूट्रलाइज कैसे हो गए कि यहाँ से लाइट फॉल हो गया है, तो जो लाइट फॉल हो गया वो वाला पोर्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लाइट की वजह से कंडक्टर बिहेव कर लेगा, और बाकी जो है न्यूट्रली रहेंगे, तो उस पर कोई फर्क, पहले से वही नेगेटिव के नेगेटिव रहेंगे। तो ये जो पेपर पे अगर आपने जहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो ये ए वाला डार्क आ जाएगा और बाकी पोर्शन जो है ये इसके दरमियान भी अगर ये जगह जगह जो है ये वाला जगह ये वाइट आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप में होता है। अच्छा फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये होता है कि जो टोनर में ब्लैक पाउडर होता है, जिसको टोनर टोनर एक्चुअली क्या होता है, टोनर होता ही ब्लैक जो पाउडर होता है वो एंक टाइप का, उसको टोनर कहते हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो स्प्रीड ओवर द ड्रम, इस ड्रम पे वो स्प्रीड हो जाता है, पहले वाला तो न्यूट्रलाइज हो गए, लेकिन जो रह गए वो क्या हो जाएगा कि वो ड्रम पे स्प्रीड हो जाएंगे। और जहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप होगा फोर्थ स्टेप, तो फिर उस फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि या अगर आप इसको यूं एक और तरह से भी मैं आपको इसके स्टेप बताऊं, पहले स्टेप में क्या होगा कि चार्ज हो गए, सेकंड स्टेप में एक्सपोज यानी जो लाइट पे रीजन आ गया वो वाला पोर्शन एक्सपोज हो गया, अब थर्ड स्टेप में क्या है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, यानी जो ब्लैक पाउडर टोनर हैं उस पे निगेटिव चार्जेस आ गए ये वाले, और वो इमेज डिवेलप हो जाएगा। अब और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जब फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में तो वो पाउडर टोनर जो है वो उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, वो स्प्रेड हो गया ड्रम पे, तो ड्रम जो है एक्चुअली इस पे सारे निगेटिव चार्ज होते हैं, इसको निगेटिव चार्जेस गिवन होते हैं। अब जब लाइट इस पे फॉल हो जाए, तो जिस जिस एरिया पे लाइट फॉल हो गया वहाँ से क्या हो जाएगा कि जो निगेटिव चार्ज है ये रिमूव हो जाएगा, लेट से इस कुछ एरियाज पे लाइट फॉल हो गया, और जहाँ पे नहीं फॉल है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे, और जहाँ पे लाइट फॉल हो गया वहाँ से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएंगे। तो और फोर्थ स्टेप जो है उसमें क्या होता है कि फिर ट्रांसफर होता है, किस चीज़ का ट्रांसफर होता है, फोर्थ स्टेप में होता है ट्रांसफरिंग ऑफ टोनर ऑन टू द ब्लैक पीस ऑफ पेपर, यानी यहाँ पे जो पेपर है, पेपर यहाँ से आ जाएगा इस स्टेप तक, यहाँ तक, तब तक कि पहले लाइट एक्सपोज हो गया, वहाँ से चार्जेस भी जो भी था न्यूट्रलाइज होना था, वट एवर जो था हो गया, अब ये पेपर यहाँ तक आ जाएगा, तो जो ही पेपर यहाँ तक आ जाएगा तो इस पेपर पे तो पॉजिटिव चार्ज रह गए हैं, लेकिन ड्रम पे कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे इस पेज पे ट्रांसफर हो जाए। कैसे होते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कि इसका प्रिंसिपल ये है कि वो अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस एक दूसरे को, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ड्रम पे जो नेगेटिव चार्ज हैं ये वाले, जिस टाइप के देखो जो वर्ड होगा उसी टाइप का बना होगा, बाकी एरिया खाली होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो टोनर ट्रांसफर हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या हो गया कि टोनर ट्रांसफर हो गया टू द पेपर, यानी एक्चुअली होता है यूं है कि ये लेट से टोनर है ये रोल करता है, और जो ही ये पेज इसके अंडर आ गया
तो इस पे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, जो भी उस पे लिखा है, जो भी कोड, यानी मैंने ए लिखा था तो वो ए यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में ये है कि जो पेपर है वो तो हीटेड प्रेशर रोलर यहाँ पे लगे होते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको फ्यूज़र कहते हैं। तो ये पेपर यहाँ से टोनर से तो इस पे वो चार्जेस आ गए, अब ये पेपर यहाँ पे आएगा तो जहाँ पे फ्यूज़र लगा है। तो फ्यूज़र का काम क्या है कि ये इस पेज पे जो टोनर आए हैं वो तो एक टाइप ऑफ पाउडर है, तो उसको ये मेल्ट करता है। तो जो ही मेल्ट हो जाता है वो उस पे बिल्कुल सही से चिपक जाते हैं उस मेल्ट होने के बाद। अच्छा, वो मेल्ट हो जाता है तो लास्ट स्टेप में जो है, इन्हीं फोर्थ स्टेप में ट्रांसफर हो गया जो टोनर का ब्लैक पीस ऑफ पेपर में, और अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज आपस में हो गए। तो उसके बाद लास्ट फ्यूज हो जाता है, फ्यूज़र का क्या काम है, फ्यूज़र का काम ये है कि वो उसको मेल्ट करते हैं, जो टोनर है वो मेल्ट हो जाएगा। और जब ये प्रेशर, इसको दूसरे वर्ड में कहते हैं प्रेशर रोलर्स भी कहते हैं, रोल करते हैं पेपर को, और इसका हाई प्रेशर होता है हीटेड, तो प्रेशर रोलर भी कहते हैं या फ्यूज़र भी कह सकते हैं। तो वो इस पेज को क्या करता है कि मेल्ट, इस पे जो टोनर होता है उस टोनर को मेल्ट करता है, और फिर आगे यूं इस तरह के नेक्स्ट पास होके लास्ट स्टेप जो सिक्स स्टेप है तो उस पे लगा होता है सिक्स स्टेप में क्लीन क्लीनिंग। वो क्या करते हैं कि जो पेज, जाहिर बात है उस पे इंक आ गया, तो वो जहाँ पे सम टाइम अगर आपने देखा हो उसमें प्रिंटर में कोई मसला हो तो फिर वो उस पे इसी तरह का ही वो इंक आ चुका होता है। वो एक्चुअली क्योंकि वो फ्यूज़र ने उसको मेल्ट नहीं किया होता है तो ड्राई इंक ही उस पे पड़ा होता है पेज पे, तो अगर आप उसके हाथ से टच करें तो वो आपके हाथ पे भी इंक आ जाते हैं। तो वो अगर फ्यूज़र सही हो तो वो सही से मेल्ट करें तो वो उस पे सही चिपक जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लीनर लगे होते हैं, वो उसको क्लीन करते हैं, और यूं इस तरह के ये पेपर कम आउट बाहर आ जाता है, और जो भी अब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट किया होता है। तो ये सारे स्टेप जो है, वंस अगेन मैं दोबारा लिखता हूँ, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें चार्जिंग हो जाता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में एक्सपोजर होता है, यानी लाइट जो है वो उस पे जो भी शेडेड एरियाज के अंदर जो आता है, लाइट एरिया में जो आ गया, तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप में डिवेलप हो जाता है जो भी इमेज बनेगा उसका, और फोर्थ स्टेप में वो ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र किसका होगा कि जो टोनर है वो ट्रांसफ़र हो जाता है पेज पे। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि फ्यूज़र लगा होता है, और फ्यूज़र का काम है मेल्ट करना, और लास्ट सिक्स स्टेप जो है दैट इज क्लीनिंग, कि वो उस पेज पे जो भी है टोनर इंक है उसको क्लीन कर लें। तो ये 6 स्टेप हैं जो कि प्रिंटर में जब भी आप फोटोकॉपियर में एक फोटोकॉपी कर लेते हैं, अगर प्रिंटर हो तो उसमें भी यही है सेम, लेकिन उसमें एक लेज़र लाइट होता है, तो ये एडवांस है, और वो सारा प्रोसेस जो है बाकी में लेज़र लाइट नहीं होता, प्रिंटर में होता है, फोटोकॉपियर में लेज़र लाइट नहीं होता, सिंपल लाइट होता है। तो उससे ये प्रोसेस पूरी 6 प्रोसेस हैं। वंस अगेन मैं रिव्यू ज़रा देता हूँ कि पेपर जो पड़े हैं, ये पेपर यहाँ पे क्या हो जाता है, एक वायर एक्चुअली इससे लगा होता है जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और ड्रम एक एल्यूमिनियम से बना होता है, नेगेटिव चार्जेस उस पर सिलीनियम कोटेड होता है, और वो के नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये फिनोमेना होता है। जो ही ये लाइट ऑन हो जाता है फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम चार्ज कहते हैं, तो ये चार्जेस हो जाते हैं जब बटन दबाते हैं, और मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ना वोल्टेज भी लगा होता है। अच्छा, फिर क्या होता है सेकंड स्टेप में कि चार्जेस एक्सपोजर हो गया, जो भी पोर्शन है उसका, उसके शेडेड पोर्शन जो है वो इंसुलेटरी रिमेन रह जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज इस तरह ये है, और बाकी जो कलर यानी वाइट पार्ट है वो ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों न्यूट्रल होता है कि यहाँ भी नेगेटिव चार्ज इनिशियली होते हैं, बट वो लाइट जहाँ पे फॉल होता है, तो लाइट सिलीनियम की एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी उस पे लाइट फॉल हो जाए तो वो एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये जो रह गए यही पॉइंट उस पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि वो डार्क में तो उसी पॉइंट की वजह से तो शेडेड आया होता है ना, बाकी पेज में तो लाइट पास होता है।
फिर ये यहाँ पे जब पिच जाते हैं तो वो ड्रम से निगेटिव चार्जेस इस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, टोनर के टोनर अट्रैक्ट हो जाता है। फिर अगर कलरफुल प्रिंट है तो फिर तो टोनर में डिफरेंट वहाँ पे इंक वो लगी होती है, डिफरेंट कलर की होती है, चार मेन कलर की होती है। अच्छा, फिर यहाँ से पास होके फ्यूज़र लगा होता है ट्रांसफरनिंग के बाद। तो फ्यूज़र का काम यह है कि वो टोनर को, टोनर या इंक यू कैन से मेल्ट कर देता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है के बाद क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है, वो क्लीन होके प्रिंट आउट शुरू हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था फोटोकॉपियर का। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी लेज़र प्रिंटर के, और साथ में इंकजेट प्रिंटर भी, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर हम दोनों स्टडी करेंगे। और इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो जितने भी इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वन बाय वन हम साथ में, हम फर्स्ट ईयर के भी इसी तरह फर्स्ट चैप्टर से लेकर हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। तो अगेन मैं कहूँगा लास्ट में कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जितनी भी आने वाले कमिंग वीडियोस हैं तो उसके बारे में अपडेट हो सकें। थैंक यू।